सो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों बताने जा रहा हूं कि आप पेटीएम वॉलेट को दोस्तों किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मेरे पास दोस्तों काफी दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा वॉलेट जो है एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, और यूट्यूब पर दोस्तों आप लोग काफी वीडियो अभी तक देख चुके होंगे लेकिन आपका जो काम है अभी तक नहीं बन पाया है, आपका वॉलेट एक्टिवेट नहीं हो पाया है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जिसके मदद से दोस्तों आपका वॉलेट जो है 100% दोस्तों एक्टिवेट हो जाएगा घर बैठे सिर्फ आधार कार्ड की मदद से। लेकिन दोस्तों उसके लिए जो है आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, तभी जा करके हो पाएगा। नहीं तो दोस्तों वीडियो को जरा सा देखोगे और फिर भाग जाओगे, तो फिर मुझे मत कहना कि भाई मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ, फिर मुझे मत कहना कि ये प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तों, देखने के बाद मेरा रिक्स है आपका वॉलेट जो है 100% एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि मैंने दोस्तों एक्टिवेट किया हुआ हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक्टिवेट है, इसका मैं प्रूफ दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वॉलेट एक्टिवेट हो गया है। अगर आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से मनीट्स भी सेंड कर सकते हैं, वो भी दोस्तों 0% चार्ज पर। आपका भी दोस्तों वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पर जो है कोई भी सर्विस का दोस्तों काम कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं अगर यहाँ पर किसी को 1000 रुपए भी भेजना है तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर जो है हमें फ्री यहाँ पर लग रहा है, यानी कि पैसा हमें कहीं पर भी 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये कैसे होगा उसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा दोस्तों, तभी जाकर के आपका ये काम बन पाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं किस तरीके से पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तों सिर्फ आधार कार्ड की मदद से। आपने वीडियो काफी देखा होगा लेकिन दोस्तों ये वीडियो जो है आपको सिर्फ यूनिक और दोस्तों अलग तरीके का होने वाला है, आपको दोस्तों परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फटाफट से हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना है, और दोस्तों ओपन करने के बाद मेरे पास एक बगल में मेरे एक पड़ोसी ने मुझे बोला कि भाई मेरा एक्टिवेट कर दो, तो उसी का मैं यहां पर दोस्तों एक्टिवेट यहां पर कर रहा हूं। और यहां पर दोस्तों आपको पेटीएम लिखना है और पेटीएम लिख के सर्च कर देना है, उसके बाद दोस्तों यहां पर अनइंस्टॉल कर देना है। अब यहां पर दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन को जो है डिलीट आपको करना जरूरी होगा, नहीं तो दोस्तों आपका वॉलेट जो है एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं ये ज्वाइन जो है दोस्तों हमें बीटा वर्जन में चाहिए, लेटेस्ट वर्जन में, तभी जाकर के दोस्तों वॉलेट एक्टिवेट हो पाएगा। तो वो कहां से मिलेगा वो भी मैं आपको चलिए दिखा देता हूं। तो दोस्तों उसके लिए आप ये जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आपको यहां पर वीडियो को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहां पर आपको लाइक का बटन दिखेगा, इस तरीके से लाइक करना है, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब का बटन इस तरीके का आपको दिखना है, यहां पर क्लिक करना है दोस्तों। और ये क्लिक करने के बाद फिर इस पे आपको क्लिक करना है, एंड यहां पर दोस्तों आपको जो है ऑल पे क्लिक कर लेना है। चलिए यहां पर ऑल में क्लिक कर देता हूं, उसके बाद दोस्तों यहां पर लिख के आ रहा है पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट प्रॉब्लम, तो आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। और यहां पर दोस्तों लेटेस्ट वर्जन का लिंक जो है आपको मिल जाएगा पेटीएम एप्लीकेशन का, आपको यहीं पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेटीएम एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिक दोस्तों आपको प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट करा देगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखते हैं हमारा जो पेटीएम ऐप जो है हमें यहां पर डायरेक्ट प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट कराता है, आपको यहीं से डाउनलोड करना है तभी जाकर के आपका वॉलेट एक्टिवेट हो पाएगा। नहीं तो दोस्तों आपका वॉलेट एक्टिवेट नहीं होगा, फिर मुझे मत कहना कि भाई मेरा एक्टिवेट नहीं हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ये डायरेक्ट प्ले स्टोर में आ जाता है, उसके बाद आपको यहां पर इंस्टॉल बटन में क्लिक करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहां पर चलिए मैं फटाफट से इसे डाउनलोड कर लेता हूं, उसके बाद मैं सारा चीज आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं, और 100% दोस्तों आपका वॉलेट जो है आज एक्टिवेट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, आपको कहीं पर भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों फाइनली यहां पर हम जस्ट क्या करेंगे, ओपन बटन में क्लिक करेंगे, और यहां से दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके दोस्तों लॉगिन कर देना है। यहां पर दोस्तों आपको अपना उसी मोबाइल नंबर को दर्ज करना है जिससे दोस्तों आप पेटीएम अकाउंट बनाना चाहते हैं, पेटीएम चलाना चाहते हैं। तो हमारे पास दोस्तों मोबाइल नंबर जो है यहां पर पहले से है, हम डाल करके दोस्तों प्रोसीड में क्लिक करते हैं, अकाउंट डायरेक्ट हम लॉगिन करके फिर आगे आपको डिटेल में दिखाते हैं, आपको भी लॉगिन कर देना है। उसके बाद दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन जो है लॉगिन हो चुका है हमारे डिवाइस के अंदर, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर वॉलेट में आपको दिखा देता हूं सबसे पहले कि हमारा वॉलेट अभी वो एक्टिवेट है या नहीं एक्टिवेट है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं वॉलेट वाला ऑप्शन को आपको शो करता हूं ताकि दोस्तों आप सभी को पता चल सके, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों वॉलेट एंड ऑफर में हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमारे पास जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल के आ चुका है। अब यहां पर दोस्तों हमारा वॉलेट जो है देख सकते हैं यहां पर पेटीएम वॉलेट इन कैरेट, यानी कि दोस्तों अनअवेलेबल, यानी कि दोस्तों आपको यहां पर पता चल चुका होगा कि हमारा वॉलेट जो है अभी इनएक्टिव बता रहा है। तो दोस्तों इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको अब ध्यान से देखना होगा सारी चीज को, अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर जो है बैंक अकाउंट को जोड़ना होगा, जैसे कि आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा जिससे आप पेटीएम चलाना चाहते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यहां पर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है, एड बैंक अकाउंट में क्लिक करके दोस्तों आपसे जिससे भी दोस्तों आप फोन पे चला रहे हैं गूगल पे चला रहे हैं उस बैंक अकाउंट को यहां पर लिंक कर देंगे। मैंने यहां पर लिंक कर दिया है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा जिसके कारण से यहां पर मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बात करता हूं, आपको फटाफट से समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पर हम सर्च बार में आते हैं, एंड यहां पर दोस्तों आपको सर्च कर देना होगा, लिख करके आपको सर्च करना है केवाईसी। अब यहां पर दोस्तों लिख के सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डिटेल आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको एक इंटरफेस मिलेगा, देख सकते हैं केवाईसी न्योर पॉइंट, आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहां पर देख सकते हैं बेसिक डिटेल आपको यहां पर सेंड करने के लिए बोला जाएगा, और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपसे यहां पर पूछा जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं
प्लीज सबमिट योर बेसिक डिटेल टू एक्टिवेट पेटीएम वॉलेट। अब यहां पर दोस्तों पेटीएम वॉलेट का इस तरीके का इंटरफेस आता है, लेकिन यहां पर क्या होता है काफी लोगों को यहां पर डिटेल तो सबमिट करते हैं लेकिन उनका वॉलेट जो है दोस्तों एक्टिवेट नहीं हो पाता है और वो दोस्तों परेशान हो जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको यहां पर जो है आधार कार्ड से अगर आपका नहीं हो रहा है आपको पैन कार्ड लगाना है। जैसे कि यहां पर पैन कार्ड अभी हम सेलेक्ट कर दें, पैन कार्ड का दोस्तों यहां पर नंबर डाल देंगे, फुल नाम डालेंगे और एक्टिवेट माई वॉलेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहां पर जो है आपका आधार कार्ड से नहीं होता तो आपको पैन कार्ड से करना है, पैन कार्ड से नहीं होगा दोस्तों तो यहां पर आपको वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट यहां पर चेंज करके लगाना है। जैसे कि यहां पर दोस्तों मेरा आधार कार्ड से नहीं हो रहा है तो अभी हम पैन कार्ड को यहां पर लगाएंगे और यहां पर दोस्तों पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद दोस्तों जिसके नाम से पैन कार्ड है उसका फुल नाम डालेंगे, यहां पर टिक लगाएंगे और यहां पर एक्टिवेट माई वॉलेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा दोस्तों, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे दोस्तों एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी भेजने के बाद दोस्तों आपका ये रिक्वेस्ट जो है दोस्तों वॉलेट के लिए ले लिया जाएगा। अब यहां पर दोस्तों यहां पर वॉलेट जो है उन्हीं का एक्टिवेट हो पाएगा जो दोस्तों पेटीएम पहले से यूज कर रहे हैं। अगर दोस्तों पेटीएम अभी अभी आपने डाउनलोड किया होगा यानी कि अभी मतलब चाह रहे हैं तो आपको यहां पर इसको एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों आपको किसी भी दोस्तों पेटीएम शॉप पे जाना होगा और जाकर के दोस्तों वहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर के जाना होगा और थंब लगा करके दोस्तों आपको वहां पर जो है एक दोस्तों वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए मिनी केवाईसी करना होगा, उसके बाद दोस्तों आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर यहां से नहीं होता है तो हालांकि दोस्तों ट्रिक जो है 100% वर्किंग है और इसी तरीके से मैंने एक्टिवेट किया था, आपका भी दोस्तों एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे यहां पर सेंड ओटीपी में जाएगा, ओटीपी डाल के सबमिट कर देना, ऑटोमेटिक दोस्तों एक्टिवेट हो जाता है।